किसान भाइयों, आज हम एप्सा का रिजल्ट देखेंगे। ये हमारे किसान मित्र हैं और जिन्होंने एप्सा का उपयोग हमेशा करते हैं, ये हम इनसे पूछेंगे इन्होंने कैसे उपयोग किया और क्या फ़ायदा हुआ। आपका शुभ नाम भाई साहब? दीपक कुशवाहा है। अच्छा, आपने ये इसमें किया, ये पत्ता गोभी में? आज किया, 4-5 बार किया। अच्छा, 4-5 बार कर दिया। अच्छा, दवाई इल्ली डालते हैं जब भी कराया है और नीचे ज़मीन से भी कराया है। अच्छा अच्छा, तो क्या फ़ायदा देखा इससे आपको? फ़ायदा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नहीं, रिजल्ट अच्छा है इसका? रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, पत्ता गोभी बढ़िया है आपकी, एक नंबर दिख रही है ना? हाँ, एक नंबर। और इधर भी आपकी है ये वाली? हाँ, ये भी अपनी है। अच्छा, इसमें भी आपने उपयोग किया होगा है ना? इसमें किया अपन ने, एक बार ही छोड़ा उसको नीचे से। नहीं, अच्छा, पानी में छोड़ा है? हाँ, पानी में छोड़ते हैं आप इसको? पानी में छोड़ा है और ऊपर से भी। अच्छा अच्छा, चार बार दवाई डाली, 4 बार भी छोड़ा है। अच्छा अच्छा, बढ़िया, अच्छी गोभी है आप, एक नंबर है ना? 10 ml के हिसाब से। अच्छा, पानी में छोड़ा 10 ml के हिसाब से? हाँ, नहीं, पानी में तो अपन ने 15 लीटर का डब्बा है अपने पास। हाँ, उस नली से छोड़ा अपन ने। नहीं, गूंदा। अच्छा अच्छा, पानी के साथ में है ना? पानी के साथ में। और बाकी आपने स्प्रे भी किया होगा दवाई के साथ? दवाई के साथ भी स्प्रे किया। वो कितना करते हो? 10 ml के हिसाब से। 10 ml के हिसाब से, चल बढ़िया, अच्छी है, अच्छी एक नंबर है आपकी हो गई है ना। देखो किसान भाइयों, कितना अच्छा इनका फूल बनने वाला है। पत्ता गोभी एक नंबर है इनकी, दिख रही है आपको। साथ में ये इनकी फूल गोभी भी है, ये भी अच्छी है, इसमें भी उपयोग करते हैं रेगुलर एप्सा 80 का। तो चलिए, धन्यवाद भाई साहब आपका, बहुत बहुत। ठीक है।